गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी का बड़ा ऐलान। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। हिसार से नैना और कुरुक्षेत्र से दिग्विजय लड़ सकते हैं चुनाव। अभय चौटाला का ऐलान, 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इनेलो। नवीन जिंदल पर बोले, कल तक थे कांग्रेसी, अब पता नहीं किस एजेंसी का डर दिखाया। दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर नवीन जिंदल ने दिया जवाब, मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं, बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पे तंज, बोले हार देखकर बड़े नेताओं ने चुनाव से किया किनारा। केजरीवाल पर कहा, कट्टर ईमानदारी का चेहरा बेनकाब हुआ। पीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार पर चुनाव आयोग ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब। कांग्रेस एमएलए नीरज शर्मा की शिकायत पर संज्ञान, आचार संहिता लगने के बाद हुआ था मंत्रिमंडल का विस्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, कहा मैं नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, पार्टी चाहे तो कुमारी शैलजा को लड़ाना चाहिए। आज फिर होगी कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक, शाम 6 बजे दिल्ली में होगी चर्चा, जारी हो सकती है उम्मीदवारों की एक और सूची। 12 बजे अरविंद केजरीवाल की पत्नी होंगी मीडिया से रूबरू, कर सकती हैं बड़ा खुलासा, कल शाम ईडी कस्टडी में सीएम से की थी मुलाकात। आज होगी दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री केजरीवाल की गैर मौजूदगी में होगी सदन की कार्यवाही, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाया गया है विशेष सत्र। पंजाब कांग्रेस को एक और झटका, 3 बार के सांसद रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल, कहा विरोधियों का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री को गालियां देना, कहा इस बार फिर लुधियाना से लड़ूंगा चुनाव। रवनीत बिट्टू को कांग्रेस ने बताया एहसान फरामोश, बाजवा बोले अच्छा हुआ हमारा बोझ उतरा, लुधियाना से हार रहा था बिट्टू। वडिंग ने कहा, दल बदलों को जनता नहीं कर सकती माफ। मुंबई पुलिस ने बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को किया गिरफ्तार, हुक्का बार पर रेड के दौरान 14 और लोगों को पकड़ा, पूछताछ के बाद मुनव्वर को नोटिस देकर किया रिहा। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सभी 10 लोकसभा सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी, ये सब कुछ कहा है इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने। उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, आपको बता दें कि नवीन जिंदल पर भी उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कल तक तो वो कांग्रेसी थे, अब पता नहीं किस एजेंसी का डर दिखाया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अभय चौटाला ने ये कहा कि अब ये लड़ाई व्यापारी और किसान की है। कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में है अभय चौटाला, तो ये बड़ा ऐलान किया है 10 लोकसभा सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ नवीन जिंदल, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी का दामन थामा, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये लड़ाई अब व्यापारी और किसान की है। कुछ दिनों तक कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी है, ना जाने किस एजेंसी का डर जो है वो नवीन जिंदल को दिखाया गया है। आज 10 साल बाद कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती लाए गए हैं, आए नहीं है, ये तो कल शाम तक कांग्रेसी थे, कल शाम को इनको कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया ये तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन ये पक्का है इनके परिवार का एक फैसला था। मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों को जानता हूँ, मेरे इनसे ताल्लुकात हैं सबके साथ, सबका एक फैसला था कि हमने किसी भी राजनीतिक दल में रह करके अब आगे चुनाव नहीं लेना, और कल क्या हुआ ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता उस 10 साल के समय को भूल नहीं सकती, जिस तरह से इन लोगों पे विश्वास करके इनको लोकसभा में चुन करके भेजा,
और जितना इन्होंने इग्नोर किया आप देखना बहुत चौंकाने वाला नतीजा आएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, जहां चुनावी दंगल में जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पीएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में पीएससी की बैठक हुई, जहाँ ये बड़ा फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए जा चुके हैं। हालांकि जब गठबंधन टूटा उसके बाद ही जेजेपी ने ये कह दिया था कि वो 10 लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब पीसीए की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 10 की 10 लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम जो है वो भी शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। वहीं दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने पर नवीन जिंदल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं, बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे बारे में कोई भी कुछ भी कहे मेरे लिए सम्मानजनक है। ये सब कुछ कहा है नवीन जिंदल में, कुछ दिनों पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं, जिन्होंने कहा कि सकारात्मक तौर पर देखते हैं उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर बड़े ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसियों का डर उन्हें दिखाया गया है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार है नवीन जिंदल। रोहतक में जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने घरों में तोड़फोड़ कर दी। इन लोगों ने तोड़फोड़ कर कई घरों की सीढ़ियां तोड़ दी, जिससे कई परिवार अपने ही घरों में फंसकर रह गए। इस विवाद की जानकारी जैसे ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली, वो मौके पर पहुंचे। हुड्डा ने वहां पहुंचने तक पुलिस वहां से जा चुकी थी। हुड्डा ने सीनियर अधिकारियों को फोन कर डीएसपी और एसएचओ को मौके पर बुलाया और उनको खूब खरी खोटी सुनाई और हिदायत दी कि सीढ़ियां जो है वो दोबारा से बनाई जाए और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। बता दें कि ये पूरा विवादित मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है। मेरे छोटे दादा का था, लेकिन ये रास्ता जो था ना इसके आर पार का, ये सारा हमारा कॉमन था। हमारा भी रास्ता सारे के सारे जो हैं इधर की तरफ खुलते हैं। ये देखो, अगर आप ये देखना चाहो, ये सारे रास्ते इधर की तरफ खुलते हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतरने के लिए चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, 3 मंजिल तक जाती हैं ये। अगर ये ब्लॉक हो गया, ये बंद हो गया, तो ये सब कुछ बंद हो गया। इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं आने जाने का। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी हम तब तक तो लगा सकते हैं जब तक इनका भाई ये सवेरे 6 बजे से पहले हमने लगा ली, दूध लिया है, पानी लिया है, जो जरूरत का सामान है लिया है, तो ठीक है। उसके बाद ये आगे सीढ़ी को भी उठा के फेंक देते हैं। ये 40-50 आदमी इकट्ठे आए और सारे हथियारों से लैस। हमने वीडियो फुटेज तक, जो सामने कैमरा लगा हुआ था, उनकी वीडियो फुटेज सारी पुलिस को अवेलेबल करा रखी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतनी मारपीट करी कि शायद उस दिन हम दोनों भाई मर जाते। कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी हुई है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट से भी कोई हमारे को तो कैसे, या तो इससे बढ़िया मार ही दो। अरे कम से कम एक बारी में कलेश तो कट जाएगा, रोज रोज तिल तिल कर मरण से तो अच्छा है एक दिन मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। वहीं अगली खबर अंबाला से, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लूट की गई है। घर से नकदी और गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। वारदात के वक्त घर में 13 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा था। वारदात के बाद बच्ची ने माँ बाप को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेखौफ है अपराधी। ये लूट की गई है, बच्ची की गर्दन पर रख के लूट की गई। घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। घर में जिस वक्त लूट हुई उस वक्त 13 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा ही मौजूद थे। वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को ख़त्म कर दूंगा, जन्नत में अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती उससे उखड़ा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड कहवा सर चीज़ मतलब उथल फुथल करा के सर वो उसे निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें नहा के रखे थे और मम्मी के उसके वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। वो फुटेज वगैरह वहाँ कोई उपलब्ध नहीं हो पाई आसपास की,
लेकिन हम अभी उस पर वहाँ से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। CIA टीम्स भी आई थी मौके पे, सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पे आई, फिंगरप्रिंट वगैरह टीम भी सब मौके पे आई, तो हम उसमें सारा अभी निकाल रहे हैं, तफ्तीश जारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी है, कब ये पूरा मामला हुआ, क्या दिन दिहाड़े ये सब कुछ हुआ, और माता पिता जो थे बच्चों के वो उस वक्त कहाँ थे? हम बिल्कुल ज्यादा इतने कह सकते हैं कि ये दिन दिहाड़े जो ये मामला हुआ है, ये बहुत ही इसको कह सकते हैं खौफनाक एक मंजर देखने को मिला, जो 2 साल के बच्चे की गर्दन के ऊपर चाकू की नोक पर घर में लूटपाट की गई है। हालांकि जो उसके पेरेंट्स थे, जो बच्चे के माँ बाप थे, वो बाजार के अंदर अपनी बेटी की शादी का इंतजाम के लिए सामान सामून लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन पीछे से उसके जाते ही लगभग 40 मिनट बाद ही जो लुटेरा था वो घर में घुस गया, और शायद वो रैकी कर रहा होगा। जैसे घर में घुसा, घुसते ही उन्होंने 2 साल के बच्चे को उठाया, उसके गर्दन पर चाकू रख दिया, और साथ ही जो 13 साल की बच्ची घर के अंदर थी वंशिका, उसको स्पष्ट रूप से बोला कि अगर इस बच्चे की जान तो जाती है तो फटाफट नकदी और जेवर जो भी है घर में निकाल के मुझे दे, जिससे बच्ची बहुत ज्यादा सहम गई, क्योंकि 13 साल की लड़की थी वो, उसने जितने भी घर के अंदर सामान रखा हुआ था, जिसमें जो उसके ब्याह की तैयारियों में रखा हुआ था घर में, जो कैश सोने चांदी के आभूषण और 2 सोने की अलग से जो अंगूठी थी, जैसा उन्होंने बताया कि वो लेकर फरार हो गया। उसके पास सदमे से निकली बेटी ने, जो 13 साल की वंशिका ने, अपने पेरेंट्स को फोन करा, पेरेंट्स फोन मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया गया। हालांकि आसपास पुलिस CCTV कैमरे को देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं था, इस कारण से चोर की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन जिस तरह से बच्ची ने अभी बता नहीं पा रही है, क्योंकि बच्ची थोड़ी सी कुछ घबराई हुई या कुछ डरी हुई है, फिलहाल पुलिस इस सारे मामले की गहनता से तहकीकात कर रही है। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि टोहाना की अंबाला में ये बड़ी वारदात हुई, जहां दिन दिहाड़े घर पे लूट की गई, और जिसमें 2 साल के बच्चे के गले गर्दन पर चाकू रखकर ये लूट की गई। जिस दौरान ये पूरा वारदात हुई, उस वक्त घर पे माँ बाप मौजूद नहीं थे, वे बाजार गए हुए थे। उसके करीब 40 मिनट बाद ही लुटेरे घर में आते हैं, 2 साल के बच्चे के गर्दन पर चाकू रखते हैं, और उस वक्त उसकी बहन जो खुद 13 साल की थी, उसे धमकाया जाता है और ये बड़ी लूट की जाती है। अगली खबर टोहाना से, जहां गन पॉइंट पर लूट की गई है। आपको बता दें कि फायरिंग कर ये 11 लाख रुपए लूटे गए हैं, कार और मोबाइल लेकर भी बदमाश भाग गए, और इस पूरी वारदात में जो गाड़ी का चालक था वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रास्ता पूछने के बहाने 3 बाइक सवारों ने गाड़ी रोकी और चालक की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक दिया, जिसके बाद तीनों बाइक सवार जो थे वो युवक का मोबाइल और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। जो पुलिस है CCTV खंगालने में जुटी हुई है। तो टोहाना का ये मामला जहां गन पॉइंट पर लूट की गई है। तो मतलब 3 लड़के आए थे भैया, गाड़ी के थोड़ा सा मतलब 1.5 फुट का बीच चौगा, उसने आगे रोक दी, तो बोले वो झुंडला का रास्ता जाएगा क्या? तो मैंने बोला ना भैया ये तो कुला जाएगा, तो उन्होंने मेरे थोड़ा सा शीशा खोला, मैंने जैसे 4 कांगड़ मतलब उन्होंने मेरे मिर्च का पैकेट था पूरा का पूरा वो मारा अंदर, और मारती मिर्च और उसने फायरिंग कर दी मेरे पास, वो मेरे इस बाजू पे लगी थी वो। फिर मैंने हाथ जोड़ के बिल्कुल भी मत दूसरी मत चलाना, आप जो कुछ भी आपको लेके जाना वो ले जाओ, मैंने तक्की खोल दी थी, अगर नहीं खोलता तो भैया वो दूसरी तीसरी 3-4 गोली चलाते वहाँ पर। मैंने हाथ जोड़ के भैया उसको सारी चीज़ें मैं जो भी आपने लेके जाना मेरे को छोड़ दो भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बस। फिर मैं जैसे उतर के भैया उधर वापसी भाग गया, टोहाने की तरफ आ गया था, वो गाड़ी भी उधर लेके गए। फिर पहुंचे अभी डिटेल में बाद में बता दें। कोई पैसे की भी लूट हुई है जी? सुनने में ये 11 लाख गाड़ी में थे, और CCTV कैमरे में देखा तो कम से कम 40 मिनट यहाँ गाड़ी खड़ी रही। लूट करने वाले कितने व्यक्ति बताए गए? मोटरसाइकिल पे आए थे जिसमें 3 लड़के थे। कोई व्यक्ति भी घायल हुआ है जी, जिसको गोली मारी गई? गोली लगी है, अभी जाँच कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी चाहे तो कुमारी सैलजा को चुनाव लड़वा सकती है, और पूर्व CM मनोहर लाल की Z+ सुरक्षा पर भी
उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि उनको किस बात का खतरा है, पूर्व सीएम तो मैं भी हूँ और ओम प्रकाश चौटाला भी है। तो ये पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये साफ किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे तो पार्टी कुमारी सैलजा को जो है लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि कुमारी सैलजा भी का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, जहां उन्होंने भी कहा था कि वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना चाहेंगी। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। वहीं कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीएम मनोहर लाल को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है, उसको लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए कि साफ किया जाए कि उन्हें किस बात का खतरा है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहां से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने चुनावों को लेकर अपने मन की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई चाहत नहीं रखता, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी की यात्राओं को देखते हुए कांग्रेस को अपना सहयोगी दलों के साथ समर्थन किया है। लेवल पे काम करता हूँ और आज भी मैं अपने गठबंधन के लिए काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ना मेरा वो नहीं है कि मैं विधानसभा में लड़ने का पक्षधर हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस को सीटें जीतनी है फिर हमें कांग्रेस को यूनैनिमसली कहीं से भी लड़वाना चाहिए, ताकि हम इस वोट को ट्रांसफर करने में लोगों को ये बता सकें कि भाई कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत रही है, जीतेगी तब जब जातिगत समन्वय बनेंगे। जैसे बीजेपी राज चलते को सड़क पे चलते चलते कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी चीफ मिनिस्टर बने वो लोकसभा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विरोधियों पर जमकर बरसे और कांग्रेस की अंतर्कलह पर चुटकी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का चेहरा अब बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं, अंदर खाते कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी और जो विकास की गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। हमारे एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सेम कहावत ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है और उन्होंने जिस प्रकार का मंच से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैंक पिछले दरवाजे से नीतियां बढ़ा करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार सोनीपत सीट से पिछली बार से भी ज्यादा अंतर से जीतेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के साथ साथ कई बड़े चेहरे चुनाव से दूरी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी एक छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा में उम्मीदवार बनाकर भेजा था और जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, और अब की बार 2024 के
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भेजा है। अब की बार फिर 2024 में भी सोनीपत लोकसभा की जनता, सोनीपत लोकसभा के वोटर बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना की आग अब छात्र राजनीति तक पहुंच गई है। राजीव गांधी एजुकेशनल में स्थित अशोक यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर यह धरना चल रहा है। छात्रों ने वार्षिक जातिगत जनगणना, अंबेडकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन करना और लेट फीस पर कोई पेनल्टी ना लगना छात्रों की मांगे है। छात्रों का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। लोग जो हैं यहाँ पे वो कास्ट सेंसस की जाति जनगणना जो है इस विश्वविद्यालय की, अशोका विश्वविद्यालय की, उसकी मांग कर रहे थे। और वो मांग ऐसे उठी कि यहाँ पे अब तक जो है डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी, तो वो हमने एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल मांगी, तब जाके उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यूजीसी के नियमानुसार अब जाके बनाना शुरू किया यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए लगभग 12-13 साल हो गए, उसके बाद जाके अभी भी वो काम चल ही रहा है। मुख्य मांगे हमारी उसके बाद ये है कि हम जाति जनगणना मांग रहे हैं इस कैंपस की, जाति जनगणना होनी चाहिए अशोका यूनिवर्सिटी की। यहाँ से सिरे पे बैठा हुआ आदमी से लेके नीचे काम करने वाला माली या फिर झाड़ू लगाने वाला स्वीपर, कोई भी वर्कर हो, तो चाहे वो चांसलर हो, चांसलर से लेके नीचे तक जो भी है, उनकी सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले इस यूनिवर्सिटी में कौन सी समाज के बच्चे कौन कैसे पढ़ते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 28, 29 और 30 मार्च को एक बार फिर बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि गेहूं की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम करवट लेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि 28, 29, 30 मार्च को जो है वो मौसम में बदलाव देखा जाएगा। यहाँ पर जो है बारिश की संभावना जो है चंडीगढ़ मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अभी जो मौसम चल रहा है वो क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार जो मौसम होना चाहिए वही मौसम अभी चल रहा है। जितना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जितना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तो अभी का मौसम एक तरह से आप बोलिए कि खुशनुमा मौसम चल रहा है और ये फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि 28 तारीख से कुछ मौसम में चेंज होने वाला है। 28 तारीख को शाम के बाद से ही, मतलब रात से, मौसम में चेंज होने वाला है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इसके मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इफेक्ट के चलते आपको थंडर और लाइटनिंग की एक्टिविटी होने वाली है और इसके साथ ही आपको गस्टी विंड्स भी चलने वाले हैं। 28 को तो थोड़ा कम गस्टी विंड्स रहेंगे, मतलब कि स्पीड कम रहेगी, लेकिन 29-30 को आप 30-40 किलोमीटर के 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको गस्टी विंड्स और थंडर और लाइटनिंग की संभावना है। वो भी ये खुशी की बात है कि मेनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड पार्ट में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहने वाला है, लेकिन हाँ कुछ मौसम तो बदल